एनएसयूआई द्वारा एसडीएस कॉलेज से लेकर जय स्तंभ चौराहे तक झाड़ू लगाई गई और बढ़ती महंगाई के खिलाफ नागरिकों को मिठाई खिलाई। एनएसयूआई के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पार्थ रघुवंशी ने बताया कि शहर में धूल की समस्या एक मुख्य समस्या है, पर विधायक, नगरपालिका अध्यक्ष और नगरपालिका प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही, इसलिए एनएसयूआई ने रोड पर झाड़ू लगाकर प्रशासन को जगाने की कोशिश की। सरकार ने महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि पेट्रोल 100 के पार हो चुका है। बल्ला और हेलमेट उठाकर मोदी जी की शतक मारने का आवेदन भी किया है। गंज बासोदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। शतक मारने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी 24 घंटे मेहनत कर करके उन्होंने टैक्स को इतना बढ़ाया कि जब हमारा कच्चा तेल $35 प्रति बैरल है। गांधी राजा नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रोल छोड़ा, इसीलिए मैं शतक मार ली है इसका। और जो गंज बासोदा में धूल की समस्या है भरे रोड पे, इसके लिए एनएसयूआई झाड़ू लगाकर अपना विरोध दर्ज कर रही है। इस धूल की समस्या से सबसे ज्यादा कैसे परेशान दुकानदार है और दुकानदारों में मिठाई खिलाते इनको मिठाई खिला गया तो फिर जाओ मिठाई खिला के ये लोग घर में आते इनको मिठाई खिलाकर इनको भूमिका कराओ। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।